केआईटी वाराणसी में आवाहन खेल का हुआ भव्य शुभारंभ, जहां पर 10 टीमों ने किया प्रतिभाग। जहां पर अतिथि के रूप में पंडित विनोद शर्मा, जिला संरक्षक हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी रहे उपस्थित। इसके साथ ही केआईटी वाराणसी के डिप्टी डायरेक्टर ए के यादव, वाइस चेयरमैन विपुल जैन, स्पोर्ट्स ऑफिसर अजय विक्रम सिंह, जो कि दुबई में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया में 2001 से 11 तक दे चुके हैं कोचिंग, इस समय है स्पोर्ट ऑफिसर के पद पर। केआईटी रहा भव्य आयोजन का शुभारंभ। विक्रम सिंह के लोगों ने की तारीफ। मंच से अतिथि ने कहा कि ऐसे द्रोणाचार्य को है जरूरत इंजीनियरिंग कॉलेजों में, जो ऐसी व्यवस्था केआईटी वाराणसी ने की है, एक मिसाल बन चुकी है। भव्य आयोजन हुआ जहां पर सभी के चेहरे खिले थे। 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ भव्य समारोह केआईटी वाराणसी में। सर, आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं पंडित विनोद शर्मा, हिंदू युवा वाहिनी का मैं जिला संरक्षक हूँ। प्रारंभ हो रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे केएन यादव साहब ये आह्वान पे ही केएन यादव आप लोगों का सबका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर दूर दराज से बच्चे आए हैं और सारे बच्चों का जो खेल की भावना से जो एक ग्रोथ होना चाहिए बच्चों के अंदर, ये खेल ही ऐसा माध्यम है। जरूरी नहीं कि शिक्षा से ही हम लोग आगे ऊपर जा सकते। खेल एक ऐसी सीढ़ी है कि शिक्षा अगर कभी अगर खेल में अगर हम ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम काफ़ी ऊपर ऊंचाई तक हम जा सकते हैं। और लोग गए भी हैं, हमारे देश का नाम रोशन भी किए हैं। तो इसी सब उद्योग के साथ भी आज जो भी बच्चे आए मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं यादव साहब और हमारे इस खेल के जो द्रोणाचार्य मैंने उनको सब दे दिया है, तो विक्रम सिंह जी ये जैसे शिक्षक मिल जाए तो मुझे कहीं से भी कोई संशय नहीं है कि हमारे देश का नाम रोशन करने में बच्चों का योगदान ना हो। केआईटी वाराणसी आ पाए, कैसा लगा? मैं केआईटी वाराणसी मैं पहली बार आया और मैं और यहाँ आने पे हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये कॉलेज, जैसा कि अभी ज्ञात है कि 2008 से ये इंस्टीट्यूट प्रारंभ हुआ है, और आज इस स्थिति इस कॉलेज की ये है कि ये पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश में एक अपना स्थान बनाया हुआ है, चाहे वो शिक्षा के माने में हो चाहे प्लेसमेंट के माने, क्योंकि प्लेसमेंट की जहाँ तक मुझे जानकारी इसमें यादव साहब मुझे जानकारी मिली है कि प्लेसमेंट में आपका इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है, ये मुझे जानकारी मिला है कि फर्स्ट रैंकिंग पे आपका जा रहा है इसमें, क्योंकि मैं माइक्रोटेक में भी गया था, मैं इनके अशोक सिंह कॉलेज में भी गया था। लेकिन जहाँ पर प्लेसमेंट की बात आई है वहाँ पे ये लखनऊ में बात आपकी कॉलेज की आई है, तो इसके लिए मैं यादव साहब को, जितने भी इनके टीम शिक्षक हैं सबको मैं सादर अभिनंदन उनका वंदन करूँगा कि ऐसे शिक्षक मिले, बच्चों का असल भविष्य हो। और इन सब कामनाओं के साथ केआईटी अभी बहुत ऊंचाई पे जाएगा। कॉलेज अगल बगल बहुत है बनारस पे, कि जो स्थान एक शहर से दूर होकर जो उन्होंने स्थान ग्रहण किया है वो एक बेमिसाल है, इसके लिए मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अजय विक्रम सिंह जी लगातार बच्चों को ट्रीट करते हैं, अब बच्चे खेल रहे हैं उन्हें भी आप क्या संदेश देंगे? अजय विक्रम जी को जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही इनको द्रोणाचार्य कर दिए, इससे बड़ा पदवी नहीं है, जो कि जो इनके मार्गदर्शन में बच्चे अपने को जो भी एक नीचे से बच्चा सीख रहा है। और सबसे पहले बेनती है कि ये सिखाने के तभी इनको इच्छा जब सामने वाला सीखने के लिए, और सभी बच्चे जो हैं बड़े दूर दराज से आए हैं तो कुछ अपना सपना लेके आए हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए अजय विक्रम साहब तो खाली एक हाथ देंगे, करना तो इन बच्चों को ही है, मेहनत इन बच्चे करेंगे और बच्चे कर भी रहे हैं और आगे चल के इन्हीं बच्चों में से हमारे देश का नाम भविष्य का रोशन करेंगे। और इसके लिए मैं अजय विक्रम जी को भी बहुत बहुत बधाई, उनका आभार वंदन करूंगा कि ऐसे शिक्षक सबको मिले। परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर ए के यादव, डिप्टी डायरेक्टर काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिर्जा मुराद वाराणसी। मैं यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो दूर दराज से बच्चे आए हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं एक बात निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में माहौल केवल पढ़ाई का होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी हम लोग उतना ही ध्यान देते हैं। जैसे मानसिक विकास के साथ साथ नैसर्गिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि आजकल आज नए परिवेश में निश्चित रूप से इसको लेके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी कड़ी में हम लोग यहाँ पे बच्चों को मूलभूत आवश्यक चीज़ें जो भी संभव है वो मैं यहाँ पे उपलब्ध कराता हूँ बच्चों को। और समय समय पर हमारे बच्चे बाहर भी जाते हैं और उसमें
सिल्वर से अधिक हमारे बच्चे गोल्ड लाते हैं, इसकी हमें अपार खुशी है और उसमें पूरे प्रदेश में हमारे बच्चों का नाम है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं खेल भावना के साथ खेलते हैं, इसका हमें गर्व है। और इस पूरे सिस्टम को जो व्यक्ति चला रहा है, जैसा कि सर ने अभी बताया है कि हमारे द्रोणाचार्य जो अजय विक्रम जी हैं, इनका मैं विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक ऐसा शतरंज बिछाया जिसमें सभी बच्चे हर स्थान पर अपना अपना काम कर रहे हैं और जीत हमेशा KIT की होती है। सर, आपके यहाँ खेलों का इवेंट है, जो बच्चे आए हैं काफ़ी दूर दराज से, आज आपके कॉलेज का वो हिस्सा है, उनको आप क्या संदेश देंगे? जो हमारे बच्चे आज के दिन, हमारे सभी बच्चे जो बाहर से भी आए, हमारे अपने बच्चे, सभी हमारे बच्चे हैं, और उनको मैं यहाँ पे इंटरनल जो भी रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। जैसा कि मैं सुबह ही पता चला कि कुछ बच्चे आ गए थे, मैं अजय विक्रम के साथ मैं लगभग 9 बजे ही आ गया था मैदान में और जाके बच्चों से मिला, और ये बात मैंने खुले तौर पे कहा कि किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम लोग मेजबान हैं, आप सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। आज के दिन आप हमारे बच्चे हो, चाहे जहाँ से हो, पूरे देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, और इन बच्चों को इस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं कि इस बात तो छोड़ दीजिए, भविष्य में हमेशा आने के लिए खड़े रहते हैं कि हम KIT में प्रोग्राम हो, और उसका इंतजार करते हैं और आते हैं। थैंक यू सर। पूरा परिचय जाना चाहिए। मैं डॉक्टर DM श्रीवास्तव हूँ और काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का डीन एकेडमिक हूँ। अभी इवेंट हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इवेंट मैं कहना भी चाह रहा था, आज उम्र हमारी 50 साल है, 50 ईयर्स में क्रॉस कर चुका हूँ। इन युवाओं के जब उम्र का मैं था तो कहा जाता था हेल्थ इज़ वेल्थ, मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था वेल्थ इज़ हेल्थ। तो ये हेल्थ इज़ वेल्थ आज समझ में आया है, और हेल्थ तभी है जब आप स्पोर्ट्स से जुड़े। तो एक जो संदेश मेरा है इन सारे बच्चों को कि स्पोर्ट्स से हमेशा जुड़े रहें और स्पोर्ट्स में हमेशा अपने आप को लगाए रहें, और स्पोर्ट्स में अगर ये सही कर गए, हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो मानसिक विकास इनका अच्छा होगा, निश्चित तौर पे जो सोच के आए वही कर लेंगे। थैंक यू सर। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेटफुल थैंक यू टू अजय विक्रम सर, हु विल गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट आवर कॉलेज एट IIT लेवल एंड ऑल्सो गिव द अपॉर्चुनिटी टू मेक इवेंट लाइक IITs इन आवर काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा हम लोग 4-5 जो भी IIT खेलते हैं उनको हम अपने इवेंट में कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। हमारे पिछले स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नितिश भैया भी हैं जो इस बार हम लोग करा रहे हैं, सेम पिछले जैसा कॉपी ही था। और डिप्टी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्वरूप तिवारी बोलना चाहेंगे कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल एवरीवन फॉर मेकिंग अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल इवेंट, एंड आई वांट टू थैंक यू मिस्टर अजय विक्रम सर व्हिच इज गिवन ऑल गिवन अपॉर्चुनिटी वेरी गुड वेल, थैंक यू। कुमार विश्वकर्मा, एक्स स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। हम लोग जितने भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ट्राई करते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकें, और जो भी गलतियां पिछले इवेंट्स में या फिर स्पोर्ट फेस्ट में हुई है हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जिम चलता है टाइटन फिटनेस, एंड मैं खुद एक नेशनल लेवल बॉक्सिंग प्लेयर हूँ, इसलिए खेल भाव से मैंने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप किया है, और मैं यहाँ खुद पढ़ता भी हूँ MBA फर्स्ट ईयर में। आह्वान को मैंने स्पॉन्सर करते हुए एक खेल को अपने आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। थैंक यू।